दोस्तों, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होने। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग टाइम और देखिए, दो दिन बाद मतलब अच्छे से धूप खिली है, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो आज हम जाने वाले हैं अयान के स्कूल में, फंक्शन है उसका डांस देखने के लिए। उसने स्पेशल इन्वाइट किया है कि ये बोला है कि दी और मतलब हम ज़रूर आने के लिए बोला। ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे 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 हैं, कितने प्यारे हैं। और इनमें एक सबसे प्यारा था वो तो आज लिख ही नहीं रहा है, मतलब छोटा सा दौड़ भी नहीं पाता था। बाय बाय। तो हे दोस्तों, हम जा रहे हैं यान के स्कूल में, हम रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए बच्चों के मम्मी यहाँ, अच्छे से देखना। तो हम जा रहे हैं बच्चों का फंक्शन देखने और रेडी करना उन्हें, तो मिलते हैं। ये देखिए बच्चों के कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। वाओ, हमारे टाइम में ना ये सब कुछ भी नहीं होता था। और स्पेशल गेस्ट प्रधान ग्राम पंचायत चांसू को मैडम सविता जी टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे। पानी कम होने की वजह से वहाँ पे बहुत बढ़ गया है, वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे पेड़ों की कटाई है, इसलिए वहाँ पे रहना भी बहुत हो जाता है। गाँव में हमारा वातावरण बहुत साफ होता है, ऑक्सीजन भी बहुत होता है। और जैसे कि गाँव शहरों में बहुत पॉल्यूशन है, इसकी वजह से वहाँ सूरज नहीं दिखाई देता है, सूरज की किरणें अच्छे से नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वहाँ पे बादल ठीक से नहीं बन पाते, इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, इसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गाँव में सूरज की किरणें धरती तक आसानी से पहुँच पाती है क्योंकि यहाँ पे वातावरण बहुत साफ होता है, इसी कारण यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण यहाँ बादल बनते हैं और यहाँ बारिश की वजह से यहाँ हरियाली भी बहुत ज्यादा होती है। नहीं तो अच्छी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। इतना अच्छा मॉडल है बट टिक ही नहीं रहा। अच्छा नहीं होगा तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। तो मैं कुछ कारण बताता हूँ। पहला, स्टॉप पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हमें कम से कम करना चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन से हमें बहुत नुकसान होता है। पेड़ सूख जाते हैं, पानी गंदा हो जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए कमी हो जाती है। और यूज़ डस्टबिन, हमें डस्टबिन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हर जगह गंदे रहेगी तो हमें बीमार जल्दी हो जाएंगे। और ग्रोथ ट्री, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, अगर पेड़ ही नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और सेफ वाटर, वाटर को हमें सेफ रखना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। और सेफ नेचर, हमें नेचर को सेफ रखना चाहिए क्योंकि नेचर ही सेफ नहीं रहेगा तो जानवरों के लिए भी कुछ जानवरों के लिए भी घास वगैरह नहीं मिलेगा। अब डू नॉट यूज़ एटॉमिक बॉम्ब, हमें एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा क्षेत्र तबाह हो जाता है, इसीलिए एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और सेव एनिमल, हमें एनिमल को सेफ रखना चाहिए क्योंकि ये नेचर में बैलेंस डाइट बना के रखते हैं, और स्टॉप ड्राइविंग, हमें ज़्यादातर वाहनों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम कहीं छोटे जगह पर ही जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। हम खुद पैदल चलेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। ड्रिप इरीगेशन, तो ड्रिप इरीगेशन का मतलब होता है टपक सिंचाई। तो टपक सिंचाई हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहाँ पर ये बहुत लाभदायक होता है। तो इससे हम पानी की बचाव भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बूंद बूंद तो होके या पौधों की जड़ों तक पहुंच पा रहे हैं। पहचानो विज्ञान का, शक्ति पहचानो विज्ञान का। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय तथा उनके साथ आए अन्य अतिथिगण, अभिभावकगण, स्कूल के मुख्य अध्यापक, अन्य अध्यापकगण, मेरे सहपाठियों, बड़े भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष विज्ञान के दैनिक
दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को जीने का एक नया रूप दिया है। आज मनुष्य विज्ञान के बिना चलना भी पसंद नहीं करता। आज कितनी भी लंबी यात्रा को हम कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। अब विज्ञान ने कई खतरनाक और घातक बीमारियों से बचने के लिए कई दवाइयों और टीकाकरण की खोज की है। आज विज्ञान की मदद से सर्जरी द्वारा मानव शरीर के लगभग हर हिस्से को बदला जा सकता है। विज्ञान की सबसे बड़ी देन बिजली को कहा जा सकता है, क्योंकि बिजली के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। विज्ञान ने शिक्षा को भी एक नई दिशा दी है। प्रिंट मीडिया अब इतनी आसान हो गई है कि इससे एक बार में हजार पन्ने छपने लगे हैं। विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, लेकिन जो चीज लाभ देती है उससे हानि भी तो होती है। विज्ञान ने कई फैक्ट्रियों का आविष्कार किया है। विज्ञान ने कई गाड़ी तथा मोटरों का आविष्कार किया है, जिससे निकलने वाला गंदा धुआं, गंदा पानी हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। इंसान विज्ञान पर इतना निर्भर हो गया है कि इसके बिना चलना भी पसंद नहीं करता। विज्ञान का रचयिता भी इंसान है और विज्ञान का दुरुपयोग करने वाला भी इंसान है। इंसान के हाथों में है कि वे विज्ञान का कैसे उपयोग करें ना, जिससे मानव जाति का कल्याण हो। हमको विज्ञान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें विज्ञान के दिए गए उपहारों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाहिर न करते हुए यही कहना चाहूंगी कि अब समस्याओं का हल निकलना चाहिए। हर छात्र में एक वैज्ञानिक होना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है क्विज कॉम्पिटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी गुड फॉर हार्ट। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगी, ठीक है? आपका समय होगा जब मैं स्टॉप हो जाऊंगा ना, आपका समय तब शुरू होगा। चुप रहना आप लोगों ने, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी गुड फॉर हार्ट। हृदय के लिए इनमें से क्या अच्छा नहीं होगा? याद रखना नहीं, ठीक है? वॉकिंग, चलना, राइडिंग या बाइक की सवारी करना, गेटिंग 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट, रात को 8 घंटे की नींद लेना, ईटिंग फास्ट फूड थ्री टाइम्स अ वीक, मतलब एक हफ्ता में, सप्ताह में 3 बार जो फास्ट फूड, जो तैयार फूड होता है ना, जंक फूड बोल सकते हैं, वो खाना। तो आपका समय शुरू होता है अब। बात कर रहे हैं तब। करेक्ट आंसर डी, ईटिंग फास्ट फूड 3 times ए हार्ट ये वीक, मतलब ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी के साथ टीम ए का खाता खुल गया। इनको दिए जाते हैं 10 अंक। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? वेट, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? मैंने बोला मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, आपको 4 choices दिए जाएंगे, चुनना है आपको, ठीक है? तीनों को सेम टाइप के क्वेश्चन है। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बात करके आंसर देना, हड़बड़ाहट में कुछ। वेरी गुड, डायमंड, इन्होंने आंसर दिया डायमंड, इनका अपना प्रश्न था। 10 अंक दिए जाते हैं। आप रेडी हैं? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? आराम से ठहरो। ऑप्शन अभी मैंने बोला था मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन बताऊंगी तब आप आंसर देंगे। आप मुझसे फास्ट निकल गए। ओके, और सेकंड है यहाँ पे, और देन थर्ड है यहाँ। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे पाना। सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना, जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। तो ये हो रहे हैं यहाँ पे सभी रेडी। हेलो गाइस, ये कर रहे हैं तैयार। इंडिया का लश्कारा ऐसे चमके जैसे तेरे। ओहो ना।
हेलो समाटी, हेलो भी नहीं बोल रहे यार, शर्म आ रहा है। गए तीन चार दिन आचे। ये तो कुछ उल्टा ऐसा नहीं है। ये देखिए इस तरह से दो एडजस्ट किया जाता है। कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। गाना नहीं गाना ना मुझको, किसी को मैं नहीं गाने गाना आया इधर आया। हेलो वाह, अयन का डांस देखने आई एम स्पेशल।
लास्ट ईयर का नहीं।